आज हम बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट है तो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के माध्यम से आयनिक वोल्टेज के रूप में जनरेट होता है, यानी कहने का मतलब आयनिक वोल्टेज प्रोड्यूसेस एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज ए बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो बायोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो नर्व कंडक्शन के बारे में, ब्रेन एक्टिविटी या हार्ट बीट, मसल एक्टिविटी या ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज जो मसल्स और डिफरेंट सेल्स के माध्यम से होती, वो एक आयनिक वोल्टेज जनरेट करते हैं और ट्रांसड्यूसर की सहायता से इस आयनिक वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड इसके काम में आता है वो एज ए ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। पहली दफ़ा इटालियन प्रोफेसर लुइगी गैल्वानी ने 1786 में इस आयनिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी फ्रॉक्स के लेक की मसल के माध्यम से, और 1903 में विलियम एंथरमन ने इसे ह्यूमन बीइंग में पता लगाया था। बायोइलेक्ट्रोड्स जो कि अभी बताया गया है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसके मेजरमेंट हेतु काम में लिया जाते हैं। और एज ए इलेक्ट्रोड्स का जो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मुख्यतः इस प्रकार इस स्लाइड में दिखाया गया पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, लेकिन कमर्शियल उसकी यूटिलिटी के हिसाब से इसको माइक्रो इलेक्ट्रोड, बायोसरफेस इलेक्ट्रोड और निडल इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी इसको विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनको मैक्रो इलेक्ट्रोड और माइक्रो इलेक्ट्रोड के रूप में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पोलराइज्ड जो होते हैं, परफेक्टली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड्स आर दोज इन विच नो एक्चुअल चार्ज क्रॉसेस द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस व्हेन ए करंट इज अप्लाइड देयर हैज टू बी करंट अक्रॉस द इंटरफेस एंड इलेक्ट्रोड वियर्स एज थ्रू इट वेयर ए कैपेसिटर। यानी यहाँ पे ये परफेक्टली पोलराइज होगा तो वहाँ पे जो इंटरफेस के माध्यम से एज ए कैपेसिटर के रूप में ये बिहेव करते हैं। परफेक्टली नॉन पोलराइज्ड जो इलेक्ट्रोड्स आर दोज इन विच करंट पासेस फ्रीली अक्रॉस द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस रिक्वायरिंग नो एनर्जी टू मेक द ट्रांजिशन दस फॉर परफेक्टली नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड देयर आर नो ओवर पोटेंशियल इलेक्ट्रो इंटरफेस इंपेडेंस इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेजिस्टर। जो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था मैक्रो और माइक्रो के रूप में भी इनको विभाजित कर सकते हैं। तीस मैक्रो इलेक्ट्रोड्स नाम से पता पड़ रहा, मैक्रो का मतलब बड़े साइज के। तीस इलेक्ट्रोड्स आर लार्ज इन डायमेंशन एंड यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस दे मे बी कॉल्ड एज स्किन सर्फेस इलेक्ट्रोड मोस्टली यूजफुल इन रिकॉर्डिंग ECG, EEG एंड EMG। माइक्रो इलेक्ट्रोड्स दीज इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर बायो पोटेंशियल नियर और विद इन ए सिंगल सेल। Sometimes the needle shaped longer electrodes are used to penetrate the skin to record EEG potential from a local region of the brain or EMG potentials from a specific group of muscles। तो ये मैक्रो और माइक्रो का एक क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोड्स का। अब इलेक्ट्रोड में हाफ सेल पोटेंशियल क्या होता है? हाफ सेल पोटेंशियल मतलब जो ह्यूमन बॉडी है जिसकी स्किन या जो मसल्स है जो टिश्यूज है उस एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो जो इलेक्ट्रोड्स है उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ बिहेव करके इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस जनरेट होती है जिससे चार्ज डेवलप होता है और करंट डेवलप होता है, और उससे जो बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि द स्किन एंड अदर टिश्यूज ऑफ ह्यूमंस आर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सो कैन बी केमिकली एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। व्हेन ए मेटेलिक इलेक्ट्रोड इमर्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इमीजिएटली आफ्टर इमर्सन द इलेक्ट्रोड विल बिगिन टू डिस्चार्ज सम मेटेलिक आयंस इनटू द सॉल्यूशन व्हाइल सम ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन स्टार्ट कंबाइनिंग विद द मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। इस प्रकार एक ग्रेडियंट बनता है, चार्ज का एक समूह एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आयन का एक समूह बन जाता है, यानी उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाफ सेल पोटेंशियल जिसको कहा जाता है। ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इज सीन एट द इंटरफेस बिटवीन द मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक
आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द रीजन टू द अनदर फॉर्मिंग पैरेलल लेयर्स ऑफ द आयंस ऑफ द अपोजिट चार्जेस. दिस रीजन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड डबल लेयर एंड इट्स आयनिक डिफरेंस आर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोड और हाफ सेल पोटेंशियल. तो इस प्रकार इस हाफ सेल पोटेंशियल को डायग्रामेटिकली समझ लीजिए कि यहाँ दिखाया गया है कि जैसे एक ये कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मेटल इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करते हुए यदि आप देखते हैं केमिकल रिएक्शंस तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है. सेम ये डबल लेयर जो स्किन और ये स्किन के साथ ये इलेक्ट्रोड मेटल का कॉन्टेक्ट किया जाता है इधर सॉल्यूशन जो कि आपकी स्किन होती है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन के रूप में. तो एक तरफ नेगेटिव आयंस होंगे एक तरफ पॉजिटिव आयंस होंगे तो उस कारण ये डबल लेयर बनती है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको एक हाफ सेल पोटेंशियल कहा जाता है और उसको आप बायोइलेक्ट्रोड के माध्यम से मेजर कर सकते हैं. इसको क्लियरली यहाँ इस स्लाइड में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस करंट फ्लो किधर से किधर हो रहा. तो यहाँ पे सी प्लस कैटायंस है, ए माइनस एनायंस है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन्स है. ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया. फेयरली कॉमन इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स जो होते हैं प्लेटिनम कार्बन ऑर्गेनिक और सिल्वर लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन मेटल इज यूज इन कंजक्शन विद सॉल्ट AgCl प्लेटिनम प्लेटिनम ब्लैक पॉलीमर कोर्स नेफ्लोन लाइक दिस. तो जो इनके साथ इनको काम में लिया जाता है और ये करंट की फ्लो है और ये अपोजिटली चार्ज आयंस के कारण जो डबल लेयर बनती है उससे हाफ पोटेंशियल आप मेजर कर सकते हो. द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस की जो इक्वेशन है कि द नेट क्रॉसिंग द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट कैटायंस सी प्लस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द करंट एनायंस मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट. केमिकल रिएक्शन एट द इंटरफेरेंस इज गिवन दिस. This is the oxidation and this is the reduction technique. This is the equation C is equal to Cn plus plus Ne minus Am minus equal to A plus Me minus, where the N valence of the C or M valence of the A है. इस प्रकार देखा जाए जो equivalent circuit देखा जाए bio potential electrodes का तो इसमें ये पैरेलल में कनेक्टेड RDCD एंड सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस एंड एक पोटेंशियल सोर्स. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक का हाफ सेल पोटेंशियल वो ESC रहेगा. RD और CD मेकअप द इम्पीडेंस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस एंड द पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण और RS एक सीरीज रेजिस्टेंस है वो इंटरफेस इफेक्ट्स के कारण. तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस का. सिंपल बॉडी सरफेस इलेक्ट्रोड जो स्किन का एक्सपीरियंस रखा जाता है उसका यदि हम देखा जाए तो ये आपकी एपिडर्मिस है. इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक जेल लगाई जाती है. ये आपका जेल है और ये इंटरनल डर्मिस एंड सब क्यूटेंस लेयर्स है. इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये दिखाया गया मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक इंटरफेरेंस से जनरेटेड इक्विवेलेंट सर्किट. ये ऊपर वाला चित्र है. इलेक्ट्रोलाइटिक स्किन इंटरफेस का ये नीचे वाला सर्किट है. इन दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है. तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स आर नोन फॉर देयर लो ऑफसेट वोल्टेज लो नॉइस स्टेबिलिटी. तो इस तरह आप बायो इलेक्ट्रोड थ्योरी के माध्यम से जो हाफ पोटेंशियल क्या होता है और उसमें कैसे आप इक्विवेलेंट सर्किट जनरेट करते हैं उसको देखते हैं और कैसे आप इक्वेशन के माध्यम से चार्ज जो आयंस ट्रांसफर होते हैं और एक करंट फ्लो होती है वहाँ पे जो डबल लेयर जनरेट होती है उसके वहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से यानी इलेक्ट्रोड एक ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इस आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिया जाता है जहाँ उस माइन्यूट या स्मॉल जो सिग्नल्स होते हैं उसको एम्पलीफाई करते हुए आप किसी मॉनिटर पे मेजर कर सकते हैं या रिकॉर्ड्स कर सकते हैं. तो ये जो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रोड थ्योरी जो आपने देखी वो सारे जो इलेक्ट्रोड्स पोलराइज्ड हो नॉन पोलराइज्ड हो माइक्रो हो नीडल हो या सरफेस इलेक्ट्रोड है वो सारे सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हुए आपके करंट डिलीवर करते हैं
और उस माध्यम से आप जो कि मेडिकल साइंस किसी भी पेशेंट की ECG, EEG, EMG, EEG जो भी है उसको मेजर करते हुए उसको डायग्नोस करते हैं। थैंक्स।